रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के दौरान सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी अगर शहनाज गिल के साथ लोगों को काफी पसंद आई है, सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी अगर रश्मि देसाई के साथ लोगों को काफी ज्यादा भाई है, देन गाइस होल्ड ऑन, इस बात में कोई शक नहीं है सिद्धार्थ और देवोलीना भट्टाचार्य की केमिस्ट्री भी लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी। सिद्धार्थ और देवोलीना ने जो जिस तरह से अपनी केमिस्ट्री बिग बॉस के घर में दिखाई वो लाजवाब है। जिस तरह से इन दोनों ने फ्लर्टिंग वाला अंदाज दिखाया वो शानदार है और इस अंदाज के बाद इनके हैशटैग्स भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी के साथ पॉपुलर हुए हैं। खैर, इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सिद्धार्थ और देवोलीना के रिश्ते पर इनकी फैमिली क्या कहती है। सबसे पहले आपको बता दे, सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी से इंटरव्यू में देवोलीना भट्टाचार्य को लेकर सवाल किया गया। सवाल उस वक्त किया गया था जब देवोलीना ने सिद्धार्थ को हैशटैग मीटू के जरिए फंसाने की बात कही थी। अब सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा देवोलीना अच्छी लड़की है, गेम के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन देवोलीना भट्टाचार्य उन्हें काफी ज्यादा अच्छी लगती है, यानी टीवी इंडस्ट्री की गोपी बहू सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी को भी काफी ज्यादा पसंद है। अब आते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी से आगे देवोलीना भट्टाचार्य की मम्मी पर। भाई देवोलीना जब सिद्धार्थ से घर के अंदर लड़ रही थी, घर के बाहर उनकी मम्मी को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। देवोलीना भट्टाचार्य की मम्मी अनीमा का एक इंटरव्यू हुआ जहां पर उन्होंने कहा मेरी बेटी ने सिद्धार्थ शुक्ला को साइको कहकर गलत किया है, टीवी पर देवो को इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे, ये देवोलीना के लिए ठीक नहीं है, मैं अपनी बेटी की तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला से माफी मांगती हूँ। इतना ही नहीं, देवोलीना भट्टाचार्य की मम्मी ने ये भी कहा कि अगर मेरी बेटी को घर के अंदर कोई पसंद आ जाता है, अगर मेरी बेटी को घर के अंदर कोई इंसान अच्छा लगने लग जाता है तो मुझे इस रिश्ते से किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, मुझे वो रिश्ता मंजूर होगा, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। वेल, आपको बता दें सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मी को भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है। रश्मि देसाई से हटकर देवोलीना भट्टाचार्य और सिद्धार्थ की केमिस्ट्री जनता को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। ये दोनों लाइव वीडियो चैटिंग के दौरान अब भी एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हुए नजर आते हैं। तो आपकी क्या राय है इनके क्यूट रिलेशनशिप पर, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।